शादी कर रहे हो? अगर लड़की ने हाँ कर दी तो? सुनो, हाथ में हाथ दो, आओ आओ, कमर थोड़ा बचा के। हाँ हाँ, बहुत दिनों से मन में एक विचार था, कहना चाहते थे। माने कि जो है, एक सेकेंड, धन्नो, माने कि I love you, धन्नो। शर्म नहीं आती इस उम्र में ये बात आकर कह रहे हो? माफ कर दो, गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये बात तो तुम्हें 50 साल पहले बोलनी चाहिए थी। अरे संभाल, अरे जवानी वाली फीलिंग आ गई। मने कि ये रामू। हाँ, धन्नो, चलो जो वही करते हैं जो कॉलेज में करते थे। इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाएगा। ए पगली, डांस बोल रहे हैं। अरे हाँ, सुनो। हाँ। माने कि यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, हम कहीं पर रस्ते पे चारे, ले जा तू कर 77। ये ये रुको, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बुड्ढे, ऑर्गेनाइज मैं करूँ सारा, एंजॉय तू करे, मैं तो अपना स्टूडियो भूल गया था, वो लेने आया हूँ। बेटा तुम्हारी बातों ने मेरी आँख खोल दी और मुझे अपना 50 साल पुराना प्यार मिल गया। अच्छा, तो आप दोनों रुक क्यों गए? चलिए साथ में एंजॉय करते हैं। अभी यहाँ आता हूँ। यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, नहीं नहीं नहीं, मिर्गी नहीं, मिर्गी नहीं, फोन बज रहा है मेरा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला था। अरे नहीं नहीं नहीं, दो नहीं, पहले एक ही भेजिए, मेरा नया नया है ना थोड़ा। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, भेजिए। अजी सुनते हैं? क्या क्या क्या? अजी सुनते हैं? नहीं। क्या मतलब? मतलब हम सुने या ना सुने, तुम सुना के चली जाती हो ना भाई। और सुनो, आज के बाद मैं सिर्फ उसकी सुनूंगा जो घर में आने वाला है। घर में कौन आने वाला है? जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। अच्छा, हम समझ गए, पप्पा आने वाले हैं। बुड्ढे का नाम मत लिया करो। पप्पा नहीं आ रहे हैं, मुझे पप्पा पप्पा बोलने वाला आ रहा है। अभी कहाँ ब्रिजेश जी, अभी तो बहुत टाइम है। टाइम है, 4 साल से यही बोल के मुझे गोली दे रही हो। मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले रहा हूँ। बच्चा गोद ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपना रात में एक बाबा आए थे सपने में, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारा बहुत बैड लक चल रहा है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बैड लक गुड लक में तब्दील हो जाए तो तुम एक संतान लेके आओ, तो इतना फास्ट संतान तुमसे तो होगा नहीं, इसलिए हम बच्चा गोद ले रहे हैं, उसके बाद देखना हमारा गुड लक चालू हो जाएगा। आज सालों में पहली बार इस घर में कोई आएगा जो मुझे पापा और हमको मम्मी मम्मी बुलाएगा, और जब आएगा तो मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा।
एक्सक्यूज मी ब्रजेश कुमार नया यहाँ पे जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने एक बच्चा ऑर्डर किया था। कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा, कहाँ है ये बच्चा? चांदी की साइकिल, सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले डब सी। साइकिल रोकिए, साइकिल रोकिए बाबा जी, साइकिल रोकिए। बताओ साइकिल तो कब से रुका हुआ है, इसको पता ही नहीं चलता। क्या हुआ भाई? बाबा जी हा? जब काली बिल्ली क्रॉस करती है तो क्या होता है? कुछ नहीं, बस थोड़ी जल्दी में होती है हम लोगों से और क्या। अरे चलो सारा मूड खराब करके रख दिया भाई तुमने तो, पार्किंग पे लगा दें भाई। बाबा जी हा? मैंने सुना है बैड लक होता है, आपके साथ कभी बैड लक हुआ है? बैड लक तो नहीं हुआ है, लेकिन बेड पे लक जरूर हुआ है। मैं समझी नहीं। हमारे घर में जो बेड है सिंगल बेड है, बेचारा सुनसान रहता है, हम ही लक टिका के पड़े रहते हैं वहाँ पे। तभी तो हमने वहाँ पे गाने का निर्माण भी किया था, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। लेकिन बाबा जी हा? कुड़ी तो लड़की होती है ना, तो आप कहाँ लड़की हो? हमारी घनी जुल्फों के कारण कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। लेकिन बाबा जी हा? आप अपने ये बाल कटवा दीजिए ना। हट, इसके बारे में कुछ मत कहो भाई, यही तो वो नेटवर्क का माया जाल है जिससे हमने भक्तों को फंसाया, मेरा मतलब अपनी आगोश में लिया हुआ है। बाबा जी चंदा तुम टेंशन मत लो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। अरे बेबी, अरे वो मैराथन की रेस में मेरा बैड लक था जो मैं हार गया, लेकिन जिंदगी की रेस में मैं ही जीतूंगा। सोना मेरा इंतजार करना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा हीरो आएगा। हाँ हाँ यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा यार। ए, भांजे। भांजे किसी टेंशन में लग रहे हो तुम? मामा सारी टेंशन की जड़ आप ही हो, जब से आप आए हो कुछ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, बताओ तुम्हारे रहने का फायदा किया है? अरे कमाल की बात करते हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ या बैंक में कराई हुई एफडी हूँ जो फायदा नुकसान ढूंढ रहे हो? बात करते हो, अरे दसवीं कैसे पास हुए थे भूल गए? अरे यार मामा ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पंडित होने का क्या फायदा है? अरे है ना फायदा, हर साल श्राद्धों में खाना मैं ही लेकर आता हूँ सारे घर का। ठीक है तो अगली साल मेरे श्राद्ध का भी इंतजाम कर लेना। अजीब आदमी हो यार मामा तुम। नहीं नहीं भांजे ऐसी गुस्सा नहीं करते, भी गुस्सा नहीं करते, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बैठा है ना तेरा मामा पंडित है। मामा एक लड़की है। कहाँ है भाई? कुछ भी बोलते हो मामा। एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ मामा, लेकिन मम्मी डैडी क्या है किसी और लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हैं, और वो लड़की वाले आज मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ यार मामा। अच्छा लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ। तो कोई बात नहीं, तेरा मामा बैठा है। क्या मतलब? मेरे मेरे कहने का मतलब मैं बैठा हूँ, मैंने दिमाग लगाता हूँ अभी। अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। भाई तुम्हारा तो शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दो दिन तक किसी लड़की का चेहरा नहीं देखना। हाँ। अगर तुमने चेहरा देखा हाँ। तो उसी लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। ना, 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 ना। बस दो दिन का बैड लक है, उसके बाद गुड लक ही गुड लक है भाई। तो मामा तुम्हारी कसम, दो दिन तक मैं किसी लड़की का चेहरा नहीं देखूंगा। नहीं, 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 मेरी मेरी कसम नहीं खानी, मेरी कसम नहीं खानी, पहले बड़ा अधूरा हूँ, कहीं मरी ना जाऊँ। आक्रोश तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, जाओ तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। देखो बेटा हाँ। जो मैंने समझाया वही समझना, कुछ और नहीं समझना, ठीक है ना? लड़की का चेहरा नहीं देखना वरना फिर शादी उसी के साथ हो जाएगी। मामा लेकिन फिर भी अगर लड़की वाले पसंद कर लिए तो मैं मर गया हूँ क्या? मतलब बोल देना उनको कि मैं भी कुबारा हूँ। अरे मामा बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, चलो, हाँ, हाँ, इसको मैं तैयार करके, कोई बात नहीं, जल्दी से लाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।